आज मैं लेकर आई हूँ चना दाल की रेसिपी, और ये बिना लहसुन प्याज की है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने दाल को पहले भिगो लिया था, उसके बाद कुकर में दाल को डाला है, थोड़ा पानी डाला और हल्दी और नमक डाल के इसमें 4-5 सीटी लगवा ली है मैंने। यहाँ पर हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, अब तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब मैंने तड़के के लिए खड़े मसाले लिए हैं, साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, जीरा और 4-5 काली मिर्च और लौंग और तेज पत्ता। इन सबको मैं तेल गर्म हुआ है उसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद जो पेस्ट बनाया था टमाटर का वो इसमें डाल लेंगे और ऑयल छोड़ने तक इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे 2-5 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें मसाले ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर और सिंपल लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। अब इन सबको एक बार फिर से मिला लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा मसाला पकने के लिए पानी का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर हमारा तेल ऊपर आ चुका है मसाले से, और मैंने इसमें बॉईल की हुई दाल मिक्स कर ली है। 5 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे, ना तो इसको ज़्यादा पतला करना है ना इसको गाढ़ा करना है। और यहाँ पर हमारी दाल बनकर रेडी है, मैंने हरे धनिए से गार्निश किया है। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। और यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी है मालपुए के साथ, चपाती के साथ और दाल और टिपोले के साथ मेरी थाली, डिनर थाली।